में अपने अनुभव के बलबूते की पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी 8 बार सांसद चुनी गई हैं। उनके अनुभव पर जनता भरोसा करती है। उनके अनुभव के बलबूते भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता जनता के बीच कहीं ना कहीं बढ़ी है। शायद यही वजह है 8 बार मेनका गांधी सांसद चुनी गई हैं। यही वजह है कि प्रोटेम स्पीकर की रेस में मेनका का अनुभव उन्हें सबसे आगे लेकर खड़ा है। लेकिन क्या इस अनुभव की अब भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है? क्या इस अनुभव की बीजेपी को जरूरत नहीं है? ये सवाल तब से उठ रहा है जब से मेनका गांधी का मंत्रालय स्मृति ईरानी को दे दिया गया है और मेनका गांधी की झोली को खाली छोड़ दिया गया है। मेनका गांधी हालांकि खुद भी कहा जा रहा था कि इस बार कोई मंत्रालय नहीं लेंगी, जिसके पीछे की वजह उनके बेटे वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को बताया गया। कहा जा रहा था कि मेनका गांधी अपने बेटे वरुण गांधी को कैबिनेट में जगह दिलाने के लिए इस बार अपना नाम किसी भी मंत्रालय के पद से पीछे कर रही हैं। हालांकि उन्होंने अपना नाम पीछे किया हो या ना किया हो, पार्टी ने उन्हें जरूर पीछे कर दिया है। अब मेनका गांधी क्या करेंगी? मेनका गांधी का यहां पर अगर बात करें तो सियासी सफर काफी ज्यादा प्रेरणादायक रहा है। मेनका गांधी का सियासत का जो सफर है उसमें कई तरह की बाधाएं भले ही आई हो, लेकिन मेनका ने हमेशा लड़ने को अपनी प्राथमिकता दी है। हार मानने वालों में से मेनका गांधी है नहीं। सुल्तानपुर जाती हैं जब मेनका गांधी मंत्रिमंडल ना मिलने के बाद, कोई मंत्रालय ना मिलने के बाद, तो मेनका गांधी से किया जाता है सवाल। मेनका गांधी कहती हैं बुलंद आवाज के साथ कि अब जवाब सुल्तानपुर की जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ मेनका ने बगावत नहीं की, लेकिन अब लगता है बगावती तेवर अपनाने से खुद को मेनका गांधी रोकेंगी नहीं। अब लगता है बगावती तेवर अपनाने से मेनका गांधी को किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी से मेनका गांधी जैसी दिग्गज और अनुभवी नेता बाहर हो जाती हैं, तो पार्टी को इससे नुकसान होगा और इस नुकसान का अल्टीमेटम मेनका गांधी सुल्तानपुर की जमी पर बीजेपी को दे चुकी हैं, ये बयान के देकर कि अब सुल्तानपुर की जनता जवाब देगी। मेनका गांधी को धोखा जो एक तरीके से दिया है बीजेपी ने, वो इस पार्टी को भारी पड़ सकता है। भले ही कहा जा रहा हो कि स्मृति ईरानी के होते हुए अब मेनका गांधी की शायद पार्टी को जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूरत महसूस होगी उस वक्त जब ये नाम पार्टी से अलग होने लगेगा। मेनका गांधी कैसे एक नई जंग का ऐलान कर सकती हैं बीजेपी के खिलाफ अगर प्रोटेम स्पीकर का पद भी उन्हें नहीं दिया जाता उसके बाद? ये जानकारी आपको मिलेगी हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। मेनका गांधी, भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता मेनका गांधी इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद मेनका गांधी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाला। इसके बाद यहां पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस बार दे दिया गया स्मृति ईरानी को। मेनका गांधी की झोली अब तक खाली है। हालांकि कहा जा रहा है कि उन्हें दिया जाएगा प्रोटेम स्पीकर का पद या फिर मेनका गांधी को लोकसभा का स्पीकर बनाया जाएगा। हालांकि इस दौड़ में मेनका अब तक अकेली नहीं है। बता दें आपको, मेनका गांधी के इस्तीफे की खबरें उस वक्त से आ रही थी जब कैबिनेट का गठन भी नहीं हुआ था। कहा जा रहा था कि मेनका गांधी इस्तीफा देंगी ताकि उनके बेटे को यहां पर दिया जा सके पद, उनके बेटे को मंत्रालय में जगह दी जा सके। हालांकि इस तरह की तमाम खबरों के बीच मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी को ना तो भारतीय जनता पार्टी में कोई मंत्रालय दिया गया, ना ही मेनका गांधी को कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री में जगह दी गई। अब इस तरह की तमाम खबरों के बीच मेनका के इस्तीफे की जितनी भी खबरें आ रही थी उनकी नींव काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। मेनका गांधी कैबिनेट का गठन हो जाने के बाद जब झोली उनकी खाली रह गई, उसके बाद पहुंची सुल्तानपुर, अपने लोकसभा क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर, जहां मेनका गांधी से किया गया सवाल कि अब क्या होगा, तो मेनका गांधी ने कहा, जो मेरे साथ हुआ है उसका जवाब सुल्तानपुर की जनता देगी। मेनका गांधी यहां पर कहती हैं कि बड़े अंतर से जीतने वाला और लंबे समय तक सांसद रहने वाला ही प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और इस रेस में मैं हूं।
बता दे आपको मेनका से किया गया सवाल कि आपको इस बार क्यों नहीं मंत्री बनाया गया, तो मेनका ने किसी तरह का सीधा जवाब दिए बिना कहा कि इसका जवाब सुल्तानपुर की जनता से पूछिए। मेनका गांधी ने कहा कि मेरी राजनीति अभी खत्म नहीं हुई, मैं लड़ूंगी और लड़ती रहूंगी, प्रोटम स्पीकर की रेस में हूँ और इस रेस में सबसे आगे हूँ। बता दे आपको अपने बारे में तो मेनका गांधी मजबूत सुर के साथ कह लेती हैं कि छोड़ेंगी नहीं, लड़ती रहेंगी, लेकिन जब बात भारतीय जनता पार्टी पर प्रत्यक्ष रूप से वार करने की हो तो मेनका चुप्पी साध लेती हैं। जब बात भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर से टिप्पणी करने की हो तो मेनका चुप रह लेती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी पर वार मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों के जारी हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अब तक सीधे तौर पर पार्टी पर किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं की है।